उनका सर्वे होना 1 अप्रैल से, उस कानून में उस सर्वे में 3 से 4 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो इम्प्रैक्टिकल थे। कोई भी आदमी जो हमारे यहाँ इतने गरीबी है, इतनी अशिक्षा है, अपनी जन्मतिथि जानता ही नहीं, जन्मतिथि किस जानवर का नाम। अब आप उनको जब वो खुद के जन्मतिथि नहीं जानते हैं, उनसे उनके माँ बाप की जन्मतिथि के बारे में पूछे जाते हैं, ये संभव है नहीं है। तो आपके माँ बाप की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, ये कौन बता सकेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से ये साजिश है लोगों को दिग्भ्रमित करने का, लोगों को परेशान करने का। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इस NPR को लागू होने से रोका जाए, और या नहीं तो फिर उसमें संशोधन करके जो जटिल प्रश्न है उन प्रश्नों को हटाया जाए। आप NPR करें। दूसरा है कि जो NRC जो देश को विभाजन करने बांटने वाला जो कानून है, उस कानून को भी आप पूरे देश में लागू होने से रोका जाए, क्योंकि इससे देश की एकता अखंडता ये धीरे धीरे खत्म होगी, सामाजिक समरसता बर्बाद होगी और पूरे विश्व में भारत की छवि खराब होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से आग्रह है, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप लोग ऐसा कानून ना बनाएं जिससे जनता के बीच में जो सामाजिक समरसता है वो बर्बाद हो, वो टूटने लगे। हमारा देश बहुत ही पूरे विश्व में एक नामी देश है, हिंदुस्तान की एक अलग छवि है, ऐसे कानून से हिंदुस्तान की छवि बर्बाद हो रही है। इसलिए सभी महानुभावों से मेरा आग्रह है कि ऐसे कानून को लागू करने से रोका जाए। अगर ऐसे कानून लागू हुए तो देश की जो आज आर्थिक स्थिति चरमरा गई है वो और नीचे चली जाएगी, देश की GDP जो आज नीचे चली गई है वो और बर्बाद होंगे, लोगों के पास खाने पीने के पैसे तक नहीं रहेंगे। इसीलिए कोई ऐसा कानून नहीं हो कि जो जनहित के विरोध में हो। आप जनहित के लिए जन कल्याणकारी योजना बनाए, जैसे ये जल जीवन हरियाली योजना है, बिल्कुल अच्छी योजना है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, गृहमंत्री महोदय को ये भी समझना चाहिए, ये जो आपने लागू किया है, ये जो काला कानून आपने लागू किया है NRC NPR और CAA, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ये बंद होनी चाहिए, ये लागू होने से रोका जाए। Yeah!